अब तक आपने फूलन देवी, सरला जाटव, पुतली बाई, सीमा परिहार, कुसमा नाइन जैसी खूंखार और दुर्दांत अपराधियों का नाम सुना होगा, लेकिन आज की कहानी एक ऐसी महिला डकैत की है जिसका मात्र 13 साल की उम्र में अपहरण हुआ था, जिसे एक डाकू से प्यार हुआ था। आज की कहानी एक ऐसी महिला डकैत की है जिसकी खूबसूरती पर गैंग के डाकू ही नहीं बल्कि पूरा इलाका नाज करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दस्यु सुंदरी सुरेखा गुर्जर की। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुरेखा की जीवन की पूरी कहानी बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों मात्र 13 साल की उम्र में उसका अपहरण किया गया था और आजकल सुरेखा गुर्जर कर क्या रही है। आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे वह लड़की जंगलों में गर्भवती हुई। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है, आप देख रहे हैं क्राइम बुक यूट्यूब चैनल। चंबल में एक तरफ जहां खूंखार डकैतों का आतंक रहा, तो वहीं यहां की बीहड़ों में दस्यु सुंदरियों ने भी कई दशकों तक राज किया। चंबल का बीहड़ कुख्यात डकैतों निर्भर गुर्जर सलीम गुर्जर, अरविंद गुर्जर, रामवीर गुर्जर, जगजीवन परिहार एवं फक्कड़ जैसे कुख्यात खूंखार डाकुओं से भरा पड़ा था। प्रत्येक गैंग में 30 से 35 डकैत हुआ करते थे। उसी समय गैंग में महिला दस्यु सुंदरियों को डकैतों को गैंग में रखने का चलन शुरू हुआ था। अपने दुश्मनों के घर से उनकी बहू बेटियों को उठाकर डकैत जबरदस्ती अपने गैंग में रखते थे। सुरेखा ऐसी एक पहली डकैत नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था। चाहे आप सरला जाटव, नीलम गुप्ता, सीमा परिहार जैसे डकैतों का इतिहास उठाकर देख लें, इनको भी डकैतों ने इनका पहले अपहरण किया, तब जाकर कहीं इन लोगों ने मजबूरी में हथियार उठाया और चंबल में कई दशकों तक राज किया। सुरेखा का जन्म इटावा जिले के सहसो थाना क्षेत्र के बदनपुर गांव में हुआ था। सुरेखा के पिता देवीचरण थाने में चौकीदार थे। उन दिनों इटावा क्षेत्र में सलीम गुर्जर का आतंक रहता था। वह अक्सर इस क्षेत्र में आया जाया करता था और उसके आने से लोगों को पुलिस भी परेशान करती थी। तभी एक दिन हुआ यूं कि पुलिस को जानकारी मिली कि सलीम आज रात 10 बजे अपने गैंग के साथ बदनपुरा में नाच है और वह नृत्य देखने सलीम जरूर आएगा। पुलिस को यह जानकारी एक मुखबिर ने दी थी। पुलिस मुखबिर के अनुसार एकदम तैयार हुई और सादे ड्रेस में गांव के चारों तरफ से गांव को घेर लिया और कुछ पुलिस वाले गांव के अंदर घुसकर डांस देखने लगे। तभी सलीम गुर्जर का गैंग गांव की तरफ बढ़ा। सलीम के गैंग में तब लगभग 10 लोग रह रहे होंगे और तभी जैसे ही डकैत पुलिस की फायरिंग रेंज में आए, तभी पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। एकदम से फायरिंग सुनकर डकैत वहां से तेजी के साथ जान बचाकर भागे, गांव के अंदर की तरफ भागे और दूसरे रास्ते से जंगल की ओर निकल गए। इस मुठभेड़ में पुलिस और गैंग का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, यानी किसी की मौत नहीं हुई। गांव की तरफ से गैंग इसलिए भागा क्योंकि फायरिंग की आवाज़ सुनकर गांव में भगदड़ मच गई, सो पुलिस की मजबूरी थी कि वह गांव वालों के ऊपर फायरिंग नहीं कर सकती थी। इस मुठभेड़ के बाद सलीम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि गैंग के सभी लोग मौत के मुँह से एक प्रकार से वापस लौट कर आए थे। तभी सलीम ने अपने मुखबिरों से पता कराया कि आखिर उस रात को पुलिस को हमारे आने के बारे में किसने सूचना दी थी। फिर सलीम के लोगों ने देवीचरण का नाम बताया। सलीम को पहले से ही शंका थी कि चौकीदार हमारी मुखबिरी करता है, हालांकि देवीचरण इस बात से इंकार करता था। मुखबिरी से नाराज सलीम ने अपने साथियों को दूसरे दिन बदनपुरा जाने के लिए कहा और सभी डकैत तेजी के साथ बदनपुरा के लिए बढ़ने लगते हैं। आगे सलीम गुर्जर और पीछे सभी डकैत। तारीख थी 12 मार्च 1999। सलीम गुर्जर रात को बदनपुरा पहुंचा और चौकीदार देवीचरण के साथ जमकर मारपीट की। तभी देवीचरण को बचाने के लिए उसकी बेटी सुरेखा वहां पहुंची। सुरेखा के पहुंचते ही सलीम ने मारपीट बंद कर दी और सुरेखा को वहां से उठाकर चंबल की तरफ चला गया। सुरेखा के साथ काफ़ी दिनों तक उसने मारपीट की। फिर जब सुरेखा को लगा कि उसका यहाँ से निकल पाना मुश्किल है, तब शांत होकर और आसानी आराम से गैंग के साथ कॉर्पोरेट करके रहने लगी। अब सलीम की नज़र सुरेखा के प्रति तिरछी हो चुकी थी, अब उसका हौसीपन जाग रहा था। सलीम, आपको बता दूं कि सलीम थोड़ा आसिक मिजाज का भी था। वह लगातार कोशिश में रहता कि जब मौका मिलता तो तुरंत सुरेखा को पकड़ने लगता। उधर सलीम का गैंग चारों ओर तबाही मचा रहा था। रोज के अखबार और रेडियो के समाचार में सलीम गुर्जर के कारनामे फूल हुआ करते थे। सलीम के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार रहते। अब उसने गैंग को चलाने के लिए फिरौती वाला धंधा अपना लिया था।
धीरे धीरे सुरेखा भी हथियारों में हाथ आजमाने लगी थी, यानी अब उसका भी मन चंबल के बीहड़ों में रम चुका था। किसी भी लूट में डकैती का वह हिस्सा लेने लगी थी। उसका निशाना बड़ा तेज था और उसके निशाने की दाद पूरे चंबल में दी जाती थी। अब सुरेखा भी धीरे धीरे सलीम उर्फ पहलवान को सहने लगी थी। फिर एक दिन सलीम का गैंग इटावा क्षेत्र में रुका हुआ था। सभी डकैत नीचे की तरफ खाना बना रहे थे और सलीम और सुरेखा वहाँ ऊपर टीले पर एक झोपड़ी के नीचे बैठे थे। उस दिन सलीम और सुरेखा के बीच पहली बार शारीरिक संबंध बने थे। इसके बाद तो दोनों के बीच संबंध बनना बिल्कुल रोज वाली बात हो चुकी थी। और ये संबंध जबरन नहीं थे, ये दोनों की मर्जी से हो रहा था। तभी एक दिन सलीम ने एक बात देखी कि उसके गैंग के कई सदस्य सुरेखा पर बुरी नजर रखते हैं। गैंग के कई सदस्य ये काम कर रहे थे तो सलीम ने सदस्यों को कुछ नहीं कहा। उसके पीछे की वजह ये थी कि उसके पास ज्यादा सदस्य थे नहीं। अगर वह सुरेखा की वजह से उनसे विवाद करता तो गैंग में वह अकेला पड़ जाता। तो इसने इसी बात को लेकर सुरेखा को एक मंदिर में ले गया और अपने सभी साथियों के साथ सामने उससे शादी कर ली। शादी के दौरान सभी सदस्य वहाँ मौजूद थे। शादी के बाद गैंग एक बार फिर लूटपाट के काम करने लगा। अब गैंग में वारदातों का सिलसिला तेजी के साथ बढ़ रहा था। चारों तरफ सलीम उर्फ पहलवान के नाम से हाहाकार मची हुई थी। नाम भले ही सलीम का रहा हो लेकिन गैंग चलाने की पूरी रणनीति अब सुरेखा ही तय करती थी। यानी नाम सलीम का और रणनीति सुरेखा की। कहां से हथियार लाए जाएंगे, किस व्यक्ति का अपहरण कैसे किया जाएगा, ये सभी बातें सुरेखा तय करती थी। ग्रामीण बताते हैं कि सुरेखा बहुत सातिर दिमाग की थी। सलीम और जगजीवन परिहार के बीच 36 का आंकड़ा था। दोनों के बीच कई बार गैंगवार भी हुई और जिसमें दोनों गैंगों को कई बार नुकसान भी झेलना पड़ा। वह अक्सर सलीम के अगल बगल रहती थी। अब गुर्जर गैंग का नाम हो चुका था। अब पुलिस पर लगातार ऊपरी दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस लगातार सलीम को पकड़ने का प्रयास भी कर रही थी लेकिन हर बार परिणाम नील बटे सन्नाटा ही निकलता था। इससे इधर अब सुरेखा गर्भवती हो चुकी थी। अब गैंग बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रहा था क्योंकि सुरेखा का इस हालात में भाग पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये बात साल 2004 की है जब सुरेखा सलीम के बेटे की मां बनने वाली थी। तभी मध्य प्रदेश के भिंड जिले की पुलिस और सलीम के गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। गर्भवती होने के कारण सुरेखा मौके से न भाग सकी और पुलिस के हाथ लग गई। अगले ही दिन पुलिस अभिरक्षा में भिंड के जिला अस्पताल में सुरेखा ने एक बेटे को जन्म दिया। फिर साल 2006 में सलीम एक पुलिस मुठभेड़ में चारों तरफ से घेर करके मारा गया। 5 साल के बागी जीवन में सुरेखा के पर जालौन के उरई में 11 मुकदमे, भिंड में 3 मुकदमे और इटावा में आधा दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज होने के चलते उसे 14 साल जेल में बिताने के बाद अदालत ने उसे सभी मुकदमों से बरी कर दिया। जेल से छूटने के बाद सुरेखा वापस अपने घर सहसों के बदनपुरा गांव में अपने भाई भाभी के साथ अपने बेटे को लेकर रह रही है। गुर्जर बाहुल्य गांव में सुरेखा का एकमात्र परिवार धोबी जात का है। बावजूद उसके गांव वाले सुरेखा को बड़े मान सम्मान देते हैं। सुरेखा अपने बेटे सूरज को पढ़ा लिखा कर सरकारी अफसर बनाने का प्रयास कर रही है। सूरज इस समय कक्षा 7वीं का छात्र है। माँ सुरेखा केवल कक्षा 5वीं तक ही पढ़ सकी लेकिन अपने बेटे को प्रतिदिन पढ़ाने के लिए साथ जरूर बैठाती है। खैर, आप लोग सुरेखा गुर्जर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।